अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर फाइन। सो आज का जो व्लॉग है वो मैं पैकेजिंग मॉल आई हूँ अपने हस्बैंड और सिस्टर्स के साथ, ऐसे ही थोड़ा बहुत इन्जॉय करने। वैसे तो सब ने पैकेजिंग मॉल देखा ही होगा जो लाहौर में रहता है या लाहौर से बाहर भी रहता है, बट मैं सोच रही थी कि मैं अपना डे आउट आप लोगों से शेयर करूँ। तो जी, सबसे पहले हम मनीसो गए थे। एक्चुअली हम कल भी आए थे मॉल, तो हमने मनीसो से कुछ चीज़ें ली थी। इस पे मैं अलग वीडियो बनाऊंगी कि हमारे साथ एक्चुअल में हुआ क्या था। तो मनीसो के बाद हम अब हम बास्किन रॉबिन आए हैं। मैंने यहाँ से आइसक्रीम लेनी थी, मुझे इनकी आइसक्रीम बहुत पसंद है, बहुत ही यम्मी फ्लेवर्स हैं इनके, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। तो बस मैंने यहाँ से आइसक्रीम लेनी थी। आइसक्रीम लेने के बाद फिर हम लोगों ने जो है वो आगे शॉपिंग करनी थी थोड़ी सी। एक्चुअली में हम लोग पैकेजेस आते जाते रहते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं हम लोग, तो मैंने कभी शूट नहीं किया, तो मैंने सोचा चलो इस दफ़ा जो है वो मैं शूट कर लूँ। और ये लोग मुझे अभी यहाँ पे आइसक्रीम टेस्ट करवा रहे थे लाइक के टेस्ट कैसा है, और फिर मैंने टेस्ट करके अपने फ्लेवर्स चूज़ किए थे। तो मैंने एक ये फ्लेवर चूज़ किया था और दूसरा मैंने एक और फ्लेवर चूज़ किया था। उसके बाद दे आर वेरी स्वीट, उन्होंने काफ़ी अच्छे से ट्रीट किया और बहुत ही यमी आइसक्रीम थी यहाँ की और बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर्स थे। उसके बाद जी हम यहाँ पर शॉप में आ गए थे और यहाँ से मेरे हस्बैंड ने पेंट्स लेनी थी। यहाँ पे जी 30% ऑफ था और मैंने भी यहाँ से लेदर जैकेट ली है, बहुत ही ज़बरदस्त। मैं एक और वीडियो बनाऊँगी, उसमें मैं पैकेजेस मॉल की जितनी भी शॉपिंग मैंने इस दिन की थी उसकी वीडियो डाल दूँगी, शॉपिंग हॉल डाल दूँगी। और मेरे हस्बैंड ने भी जीन्स वगैरह ली थी, मैं सिर्फ अपनी चीज़ें ही दिखाऊंगी, मेरे हस्बैंड की तो मैं नहीं दिखाऊंगी। और यहाँ पर हमने शॉपिंग कर ली थी, तो हम बाहर गए थे, इस शॉप से हमने शॉपिंग की थी, यहाँ पे 30% ऑफ था होल हर चीज़ पर। इसके बाद जी अब हम फूड कोर्ट की तरफ जा रहे हैं, नहीं हम हाइपर स्टार जा रहे हैं जी। हाइपर से मैंने जो है कुछ छोटी मोटी चीज़ें ली थी, लाइक मैं यहाँ से शॉपिंग करती हूँ, यहाँ पे थोड़ी सस्ती डील्स वगैरह लगी होती हैं, चीज़ें बड़ी रीज़नेबल होती हैं, तो मैंने छोटी मोटी चीज़ें लेनी थी, तो इस वजह से हम फिर यहाँ गए थे। अब इन्होंने नया सिस्टम ये स्टार्ट किया कि यहाँ पर अपना सामान रखवा सकते हो, दैट इज़ वेरी ग्रेट। इसके बाद हमने सामान बुक करवा दिया था और हम ऐसे ही घूम रहे थे हाइपर, कोई चीज़ अच्छी लग जाए तो हम खरीद लें। बस फिर मैंने ये छोटी मोटी सी चीज़ें लेनी थी, मैंने वो चीज़ें ले ली। शैम्पू वगैरह मुझे थोड़े बहुत चाहिए थे, मेरा मड मास्क मुझे चाहिए था और सब इस तरह की ही चीज़ें चाहिए थी। हम वैसे ही फिर रहे हैं और मैं इस जगह पे बहुत ही, मुझे प्यास लगी हुई थी और भूख भी लगी हुई थी, और मैं बस कह रही थी कि जल्दी जल्दी करें। और मैंने फूड कोर्ट जाना है, मुझे खाने पर मुझे याद आ गया कि मैंने चिप्स वगैरह भी बाय करने थे, तो यूजुअली 30 का पैकेट होता है लेकिन यहाँ पे मुझे 27 का पैकेट पड़ता है चिप्स वगैरह का। और अच्छे इनके पैकेजेस लगे होते हैं, लाइक 100 रुपये का बंडल होता है पूरा, तो फिर मैं यहाँ से चिप्स वगैरह ले जाती हूँ। वैसे तो मैं इतना नहीं खाती, लेकिन छोड़ती भी नहीं हूँ, खाती तो हूँ, लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत क्रेज़ नहीं है मुझे। और अब हम बस यहाँ पे रैंडमली जा रहे हैं, मेरे हस्बैंड को कुछ चाहिए था तो वो मुझे वहाँ लेके जा रहे थे। और उसके बाद हम लोग स्लीपर्स भी ढूंढ रहे थे जो कि हमें नहीं मिले, मिले भी तो बहुत महंगे और अजीब सी क्वालिटी के थे, तो वो हमने नहीं खरीदे। यहाँ पे मेरी शॉपिंग कंप्लीट हो गई, अब हम बिलिंग करवा रहे हैं। और मैंने ये कपकेक का बंडल, ये भी 100 में लगा हुआ था और मुझे कपकेक बहुत पसंद है, स्पेशली चाय वगैरह के साथ, और प्यास भी बहुत लगी थी, मैंने कहा था जूस भी ले लिया। बस रैंडम चीज़ें हम ख़रीदने आए थे, नथिंग मच, कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी। मैं यहीं से ये सब चीज़ें बाय करती हूँ, लाइक शैम्पू कंडीशनर वगैरह, स्नैक्स वगैरह, और तो मैं यहाँ से कुछ नहीं लेती।
सो यहाँ पे जो हमने अपना सामान रखवाया था हम वो वापस ले रहे हैं, और मुझे ये किचन कुजीन की पेस्ट्रीज़ और पिज़्ज़ा नज़र आ गया था, और यकीन माने मुझे बहुत भूख लगी हुई थी, तो मेरा इस पिज़्ज़ा स्लाइस खाने को भी बहुत दिल कर रहा था। तो जितनी देर में अभी सामान ले रहे थे मैं सिलेक्ट करी थी कि मैं क्या खाऊँ, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी हुई थी, और वैसे तो मेरा कोई मीठा खाने को दिल नहीं कर रहा था इस टाइम पर। तो फिर मैंने एट दी एंड उनको बुला के पिज़्ज़ा स्लाइस ले लिया है। बहुत ही यम्मी पिज़्ज़ा स्लाइस था, और किचन कुजीन के वैसे केक्स भी बड़े अच्छे होते हैं। बस यहाँ पे मैंने बिल पे किया है, और मैं भी अपना पिज़्ज़ा उठा कर जो है हम लोग अब फूड कोर्ट की तरफ जाने लगे हैं। मेरा एक्चुअली अभी वैसे भी प्यास लगी हुई थी, तो खाने को दिल नहीं कर रहा था, तो हमने कहा कि चलो हम फूड कोर्ट थोड़ी देर बैठते हैं। मेरे हस्बैंड ने कुछ खाना था लाइक दही भल्ले वगैरह, तो जी यहाँ पे हम फूड कोर्ट की तरफ निकल पड़े हैं, और बहुत चल के जाना पड़ता है, बहुत ही बड़ा मॉल है ये माशाल्लाह से। और हम लोग अभी जा रहे हैं फूड कोर्ट में, थोड़ी देर बैठेंगे, बातें शातें करेंगे, कोई कॉफ़ी पियेंगे या कोई दही भल्ले वगैरह खा लेंगे। वैसे तो मुझे बहुत पसंद है बॉम्बे चौपाटी के। तो यहाँ पे जी हम फूड कोर्ट पहुँच चुके हैं, और कितना खूबसूरत उन्होंने पैकेजेस मॉल का फूड कोर्ट बनाया हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त है। और ये बॉम्बे चाउपत्ती की मुझे राज कचौरी और दही बटाटे बहुत ही पसंद है, तो आज बस हमारा यही दिल कर रहा था कि हम ये खा लें। और मेरी सिस्टर्स और हस्बैंड का भी ये चाट टाइप चीज़ खाने को दिल कर रहा था, तो फिर हमने राज कचौरी और दही बटाटे मंगवाए थे, जो कि बहुत ही स्पाइसी और मज़े के थे, और हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। और मैंने बस थोड़ा सा ही खाया, क्योंकि मैंने अपना पिज़्ज़ा लिया हुआ था और मेरा इतना खाने को दिल नहीं कर रहा था दही वगैरह और इस तरह की कुछ चीज़। तो बस हम अपनी वही इंजॉय कर रही थी, मैं वेट कर रही थी ऊबर का भी, साथ साथ हमने ऊबर मंगवाई भी थी कि जैसे हमारी ऊबर आती तो बस हम निकलें घर की तरफ। तो जी ऊबर आ गई है, और हमने अपनी जो है दही पापड़ी वगैरह जो भी था वो फिनिश कर ले, और हम जा रहे हैं बाहर की तरफ। और मॉल में बहुत इतना ख़ास रश तो नहीं था, हम लोग को बहुत रात हो गई हुई थी, शायद इस वजह से भी। अंदर तो बहुत ज़्यादा वार्म था, लेकिन जैसे ही हम बाहर निकले तो हमारी कुल्फ़ी जम गई थी, बहुत ज़्यादा ठंड थी बाहर, बहुत 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 ठंड थी, और हमने बहुत इन्जॉय किया हम ऊबर में बैठ के। तो बस जी यही हमने आज का दिन पैकेजेस में गुजारा, और बस अब हम ऊबर में जा रहे हैं बैठे हैं, और ऊबर में बैठे साथ ही मैं अपना पिज़्ज़ा इंजॉय करूँगी, और पिज़्ज़ा इंजॉय करते करते हम घर चले जाएंगे। जी ऊबर में हम बैठ चुके हैं, और अब हम घर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन मेरा जो है वो कॉफ़ी पीने को बहुत दिल कर रहा था, तो फिर हम घर जाकर। गाइस फिर हम लेट नाइट कॉफ़ी पीने आ गए थे इधर एज ब्लॉक जेडी पर, और इनकी कॉफ़ी बहुत ज़बरदस्त होती है। होप यू लाइक दिस व्लॉग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।